पद्मश्री अवार्ड लेने से कतरा रहे थे सिंगर सोनू निगम। कहा, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है? लेकिन बिना किसी लॉबिंग के ये सम्मान मिलने पर जताई खुशी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू को कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 128 लोगों में से एक सोनू निगम भी है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 48 वर्षीय सोनू को कला के क्षेत्र में मिले पद्मश्री सम्मान को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि सिंगर को यह सम्मान असल में बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। इस पर हालांकि सोनू ने भी सहमति जताई है। सोनू का भी यही मानना है कि उनके पास ये अवार्ड आने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई लॉबिंग नहीं की, बल्कि ये उनके पास अपने आप आया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत खुशी है। बॉलीवुड हंगामा के साथ हुई एक बातचीत में सोनू ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। इंटरव्यू के दौरान सोनू ने बताया कि मैं शूटिंग कर रहा था, तब मुझे कॉल आया, मैंने जिसे उठाया नहीं। फिर मैसेज आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि कुछ अर्जेंट है, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव है। फिर मैंने शॉर्ट के बीच में उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझसे कॉल पर कहा कि भारत सरकार द्वारा तुम्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? तो मैंने काफ़ी समय से ये ठान रखा था कि जब भी मुझे इसे लेकर कॉल आएगा तो मैं ये कहूँगा। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है? आप मेरे से 15-15 साल बाद आए लोगों को मुझसे 5-5 साल पहले पद्मश्री पुरस्कार दे चुके हैं, और आप मुझे अब ये सम्मान दे रहे हैं इतना लेट? मुझे नहीं लगता कि मैं आपका ये सम्मान स्वीकार करूँगा। मुझे आप पद्मश्री दे रहे हैं और इसे लेकर आप मुझे कब से नचा रहे हैं? आप मुझसे हमेशा यही कहते रहे हैं कि इस बार आपका नाम विचाराधीन है, कभी कहते हैं कि आपका नाम आ रहा है। हम भी इंसान हैं और ऐसे प्रलोभन में आ जाते हैं। आखिर ऐसा कौन है जिसे अवार्ड दिया जाए और वो ये बोले कि नहीं नहीं, हमें अवार्ड नहीं चाहिए, अवार्ड मिलना सभी को अच्छा लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसाफ यदि देरी से किया जाए तो वह इंसाफ नहीं रह जाता। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपका ये सम्मान स्वीकार करूँगा। इस अवार्ड के लिए मैंने कोई लॉबिंग नहीं की है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसे स्वीकार कर लें, हम तो आपके फैन हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अब आपको इसके लिए चुना गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लेना चाहिए, ये वाकई बहुत लेट है। अब आप मुझे पद्मश्री देंगे, अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, अब मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है, ये सब चलता रहा है। और वो मुझे समझाते रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आप 5 मिनट दीजिए, मैं अपने पापा से बात करके आपको फिर फ़ोन करता हूँ। तब तक इस दौरान मेरा मेरी शूटिंग पर कोई ध्यान नहीं रहा। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि इस अवार्ड के लिए मैंने कोई लॉबिंग नहीं की है, ये अपने आप आया है। जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए बहुत लॉबिंग की जाती है, मेरे लिए भी 2-3 लोग कर चुके हैं, लेकिन मुझे हमेशा से यही लगता था कि इस तरह से यदि मुझे पद्मश्री मिलता है तो उसका मजा ही नहीं आएगा। अब यहाँ मुझे ऑर्गेनिकली मिला है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। क्या आपको भी वाकई यहाँ लगता है कि सोनू निगम को पद्मश्री देने में सरकार ने बहुत देरी कर दी है? जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।